2019 के चुनावी महासंग्राम की उल्टी गिनती के बीच एक बार फिर मंदिर मुद्दा गर्माता दिख रहा है। बीजेपी के केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में इस मुद्दे का बड़ा रोल है। खबर है कि अक्टूबर महीने में मंदिर आंदोलन फिर शुरू हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने 5 अक्टूबर को दिल्ली में संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक बुलाई है। संतों की इस समिति में देशभर के 36 प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि ये समिति मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का ऐलान कर सकती है। 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर जल्दी बनना चाहिए, इस मामले को और लटकाया नहीं जाना चाहिए कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जल्दी बनना चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान को मंदिर आंदोलन के लिए हरी झंडी माना गया और अब बीएचपी की ओर से बुलाई गई बैठक ने इस बात पर मुहर लगा दी कि 2019 से पहले मंदिर मुद्दे पर वोटों की फसल काटने की तैयारी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संजय हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकें जो हैं वो संत समाज के प्रतिनिधियों में होती रहती हैं, तो रेगुलर इंटरवल्स पे होती हैं, तो इस बार क्या खास होने वाला है? देखिए, 5 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद की हाई पावर कमेटी की बैठक, यानी कि जो उच्चाधिकार समिति है विश्व हिंदू परिषद की, उसकी बैठक बुलाई गई है। पिछले 4 दिनों से मोहन भागवत यहीं थे, दिल्ली में थे। आपको ध्यान हो तो पिछले 2 दिन पहले ही मोहन भागवत ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था एक समारोह में। उनका साफ कहना था कि राम मंदिर बनना चाहिए, लोगों की भावनाओं को। लेकिन संजय, 5 अक्टूबर को ये बैठक जो होने वाली है पहले से तय थी, करीब 3 महीने पहले इसकी बैठक तय हो गई थी। इसका संघ प्रमुख की जो कार्यक्रम हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा नियमित अंतराल पर होती है, तो इस बार क्या महत्वपूर्ण है? सवाल ये है। देखिए, ये 3 दिन आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, जिस तरीके से कि मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अब लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। अदालतों को भी समझना होगा कि लोग आखिर कब तक सब्र करेंगे, क्योंकि सबूतों की जहां तक बात है, हाईकोर्ट का डिसीजन पहले से इस फेवर में आ चुका है और बाकी जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में लगातार डिले करने की कोशिश हो रही है। राम मंदिर के फैसले को लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इसमें विलंब हो, देरी हो, तो इस तरह की कोशिशें ना हो, ये दबाव होगा संत समाज का। जी संजय जी, जी जी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।